मेरे को लग रहा था कि वो नहीं जाएगा भाई देख तू जाएगा तो फायदा उनका है हाँ। तेरा कम है तो हमारे पास ऑफर था सीधा मेन एंट्री का एलविश कहता कि मेरा मन ना कर रहा अब को लाता उधर से।, से सीन है और वाइल्ड कार्ड का सीन है मैंने मैं इसको कही मैं ना जा रहा यार मैं मेरे को तो भेजना है वाई पर अंदर यार आंटी को लाइन पे ले लेटी को समझाते हैं तो फिर हो गया सीन भाई शुरुआत करते हैं उस बात से जरा जब हम लास्ट टाइम मिले थे था बिग बॉस से पहले तो एलुष भाई बोस पहले हम सब डिस्कशन हो रही थी अच्छा, जब हमें पता चला था कि भाई के पास ऑफर आया तो हम सब, सब सजेशन दे रहे थे जब हम पार्टी कर रहे थे या चिल कर पार्टी भी कर रहे थे हम तो यही कह रहे थे कि भाई देख तू जाएगा तो फायदा उनका है तेरा कम है जो कि सही बात है और दिख भी रहा है अब कि फायदा उन्हीं का हो रहा है मेरे को लग रहा था कि वो नहीं जाएगा पर भाई तू बता यार कैसे डिसीजन बना और ओटीटी में वाइल्ड कार्ड का डिसीजन कैसे बना क्योंकि हमें तो हमारे माइंड में था मेन वाला बिग बॉस भाई मैं बताता हूँ सीन हुआ क्या अब क्या सीन है ये और वो वाइल्ड कार्ड कह रहा हो तुम हाँ। तो हमारे पास ऑफर था सीधा मेन एंट्री का अच्छा ओटीटी टी टी पे ही. हाँ ओ टी टी ही सीधा फोन आया था कि अंदर से सीन है आप एक बार ऐसे तो उनके राउंड्स होते हैं पहले वो कह रहे बॉम्बे आ जाओ मैं माँगा बॉम्बे क्यों आवे कह रहे तुम्हें अपने खर्चे पर आना पड़ेगा मग फिर तो कति ना आवे तो है ना फिर उनकी एक वीडियो कॉल होती है वन टू वन वाली तो उसमें देखते हैं वो करेक्टर कैसा है वो फॉर फॉर्मैलिटीज़ होती है वैसी बात उन्हें लेना तो होगा ही जब भी कर रहे हैं तो उस टाइम एलविश कहता कि मेरा मन ना कर रहा अब एकदम से मतलब दो तीन राउंड कर लिए फिर कहता मन ना अब फिर वो कैंसिल हो गया कुछ हमारे फिर दिक्कत भी आ गए थे एक दो प्रोजेक्ट्स आ गए थे तो जो हम उस दिन यहाँ बैठे थे वो दो तीन राउंड्स करने के बाद बैठे होते क्योंकि वो बता रहा था कि हाँ, हाँ। दो तीन इंटरव्यू दे दिए मैंने अब छह सात होते हैं कुछ बच रहे हैं हाँ। तो उसके बाद फिर हमारा मूड फ्लिप होगा मतलब हमारा तो कहीं उसका ही मेरा तो था ही मगर जा भाई क्या कर रहा है तू पागल है क्या तो भाई फिर चली गई बातें बीत गया बीत गया फिर इधर उधर हम प्लान बना रहे लद्दाख जाएंगे लद्दाख फिर एकदम से दोबारा कॉल आता हुआ उधर से कि जी ऐसा ऐसा सीन है और वाइल्ड कार्ड का सीन है मैम कहा क्या दिमाग फिरा रहे हो मेरा <laughs> <या>। <laughs> तो भाई मैंने इसको कही क्या मैं ना जा रहा और एक दिन फिर मैंने ग्यारह बजे फोन किया अगले दिन को दोबारा फोन आया तो सो रहा मगर कोई बात नहीं मैंने उनको बोल दिया मैं कहा एक बजे रिवर्ट करता हूँ मैं क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा भाई एक बजे फोन करो एक बजे भी सो रहा फिर मैंने कहा तीन बजे करता हूँ भाई तीन बजे भी सो रहा और मैंने इनको तीनों कॉल पे कहा कि भाई बिग बॉस से फोन आ रखा है क्या लाइटली कोई ले रहा है मतलब ये तो है नहीं अपने को भी देखना ही कहीं ना कहीं अब ब्लॉग्स भी बनाए रहे हैं पर ब्लॉग्स के अलावा भी तो ऑडियंस चाहिए तो भाई फिर मेरी नहीं समझ रहा मेरे को पता तो क्या कहता मेरा कह दीना ना जाना <laughs> तो भाई फिर मैंने को आप क्या कर सकते हैं यार मैं मेरे को तो भेजना है वाइपर इस अंदर यार मतलब कुछ तो करें यार अलग देखें क्या सीन है एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा एटलीस्ट नया तो भाई फिर मैंने करा लक्षरछित को फोन फिर मैंने किया उनकी भी नाम मान रहा फिर मैंने किया विनय भाई को फोन विनय भाई यहाँ रखे मगर थोड़े बड़े हैं विनय भाई समझा देंगे भाई किसी की नहीं सुन रहा फिर ना है ना विनय भाई कहते काम कर आंटी को लाइन पे ले <laughs> अं को समझाते हैं आंटी जगाएगी क्योंकि okay, हमसे जगी नहीं रहा भाई वो बंदे घर भर पहुंच रहे हैं मैं दिल्ली था मैं घर नहीं जा सकता उसके तो फिर भाई आंटी ने जगा वगाया फिर कह रहा हाँ ठीक है भाई समझ गया समझ गया ठीक है एक काम कर मेरी पांच बजे कॉल रखवा दो भाई फिर पांच बजे कॉल रखवाई तो फिर डन डंड हो गया सीन और फिर मतलब वो कहते हैं चलो ठीक है बताते हैं फिर भी नहीं बताया उन लोगों ने तीन दिन का गैप लिया फिर चौथे दिन है ना शाम को मेरे पे फोन आया था पांच बजे और अगले दिन ही सुबह पाँच बजे बुला लिया बारह घंटे का टाइम दिया उन्होंने हमें अच्छा। ना हम कपड़े खरीद पाए नाम को छोड़ दाढ़ी सेट करवाने दा डिसाइड बजे गया रात को अच्छा। <laughs> भाई जब तुम जब एलविश बिग बॉस में गया तो वो घुसते ही बातें कर रहा कि मेरे बिग बॉस मैं बिग बॉस नहीं देख कर आया नहीं देखा भाई भाई उसने नहीं देखा तो ये क्लियर करो एक्चुअली में हुआ क्या नहीं भाई मैं बताऊँ वो अबे कौन देखेगा एक घंटे का एपिसोड जिसमें वो बोर कर रहे हैं यार कौन अपना एक वो फ्लाइट में भी हमने सोचा कि डाउनलोड कर ले जाते हैं हम डाउनलोड करके लेके गए एक लेटेस्ट वाले दो एपिसोड एक या दो भाई पाँच मिनट देखते मैं कुछ हो ही नहीं रहा यार कुछ हो ही नहीं रहा कह रहे क्या कर रहे हैं लोग फिर है ना हम उतरते गए एक दोस्तों को फोन कर रहे तू देख रहा ना बिकॉज हम समरी बता दे क्या क्या हो रहा है दोस्तों से पूछा हमने अच्छा समरी बता दे कौन क्या कर रहा है बाकी ये चीज़ तो मेन थी कि अविनाश थोड़ा पागल है बेबी का थोड़ी पागल सी है वो तो हमें पता ही था वो तो दिख जाता रील्स वील्स में ही और ये था कि अपना भाई फुकरा अंदर है मतलब ये सब मेन मेन चीज़ें पता थी पर वो नहीं पता था कि डिटेल्ड क्या चल रहा है